आईआईटी खड़गपुर में इस साल 2023 की क्या कट ऑफ रहने वाली है, लास्ट राउंड की कट ऑफ जेई एडवांस की, सभी कैटेगरीज की, चाहे जनरल हो गया, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस और सभी ब्रांचेस की, बीटेक की और बीआर की भी बात करूंगा, बीएस एमएस अगर है और डुअल प्रोग्राम की भी बात करूंगा। तो यहाँ पे ओवरऑल पूरी डिटेल में कट ऑफ वीडियो होने वाली है, ये लास्ट राउंड की सभी ब्रांचेस और सभी कैटेगरीज की। वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कितनी रैंक चाहिए आपको जेई एडवांस में ताकि आपका 100% एडमिशन हो जाए, या फिर आपका एडमिशन हो रहा है या नहीं इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। बात करें सबसे पहली ब्रांच की तो एरोस्पेस है यहाँ पर, कोटा एआई मतलब ऑल इंडिया। यहाँ पर जो क्लोजिंग रैंक रहने वाली है एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, बीटेक में अवेलेबल है यहाँ पर, ये वो देख सकते हैं 5297 अप्रॉक्स 5300 के अराउंड है, लेकिन 5100 तक ही रखना सेफ साइड के लिए क्योंकि यह टॉप आईआईटीज़ में आता है और इसकी बहुत ही फिक्स कट ऑफ रहती है। फीमेल के लिए देखो 10100 के अराउंड गया हुआ है, तो फीमेल के लिए चाहे कोई भी कैटेगरीज हो फीमेल के लिए बेनिफिट मिलता है, सीट्स रिजर्व है फीमेल के लिए। ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस फीमेल, ओबीसी, ओबीसी फीमेल, तो अगेन जितनी भी कैटेगरीज हैं सारी कैटेगरी रैंक कट ऑफ है, इस बात का आपको ध्यान देना है। एससी, एससी फीमेल, एसटी और एसटी फीमेल। अगर आपको बीटेक में एडमिशन नहीं मिलता किसी पर्टिकुलर ब्रांच में तो आप उसके डुअल प्रोग्राम की तरफ जा सकते हैं, 5 ईयर का बीटेक प्लस एमटेक, जिसमें कट ऑफ थोड़ी सी लो रहती है। देखो उसमें 5100 के अराउंड था, इसमें 5687, तो थोड़े से रैंक से अगर आपका रह जाता है किसी पर्टिकुलर ब्रांच में, आपको इंटरेस्ट है सपोज एरोस्पेस में और आपका कुछ रैंक से रह जाता है, तो आप डुअल प्रोग्राम की तरफ जा सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं अगेन ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ओबीसी फीमेल, एससी, एससी फीमेल, एसटी। बात करें हम अगली ब्रांच की, वो है एग्रीकल्चरल एंड फूड इंजीनियरिंग, बीटेक में अवेलेबल है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है 4 ईयर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। एआई मतलब ऑल इंडिया, एनआईटी होता तो होम स्टेट, अदर स्टेट होता एचएसओएस, लेकिन आईआईटीज एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ पे देखो 9008, तो ये लास्ट राउंड की कट ऑफ है, इसके बाद कोई लिस्ट नहीं आती, इतनी रैंक समझ जाओ लास्ट होप है आपकी। ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस फीमेल, ओबीसी, ओबीसी फीमेल, एससी, एससी फीमेल, तो आप जिस भी कैटेगरी का देखना चाहते हो यहाँ पे अच्छे से स्टॉप करके देख सकते हो। मेरी वीडियो फास्ट लग रही है तो स्लो करके देख सकते हो। अब देखो अगर आपको इसमें भी बीटेक में नहीं मिल रहा तो डुअल प्रोग्राम की तरफ जा सकते हो। 11200 के अराउंड गया हुआ है जनरल के लिए और फीमेल के लिए तो 18400। तो यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि मोस्ट ऑफ़ दी ब्रांचेस के डुअल प्रोग्राम देखने के लिए मिलते हैं आईआईटी खड़गपुर में। कैंपस बहुत बड़ा है इसका आईआईटी खड़गपुर का और ब्रांचेस बहुत सारी हैं, प्लेसमेंट्स कमाल के हैं, सब कुछ मतलब बहुत मज़ा आने वाला है इस कॉलेज का अगर किसी का एडमिशन। वैसे तो सारे टॉप आईआईटीज बहुत अच्छे हैं, सारे टॉप एनआईटीज अच्छे हैं। अब बात करें हम अगली ब्रांच की, अप्लाइड जियोलॉजी, ये बीटेक में नहीं है, बैचलर ऑफ साइंस है, देख सकते हैं 4 ईयर का, 13114 अप्रॉक्स 13000 तक लेके चल सकते हैं। फीमेल 20000 से भी ऊपर गया हुआ है, तो यहाँ पे फीमेल के लिए अच्छी बेनिफिट है, भले वो जनरल से ही बिलोंग करते हो लेकिन उनके लिए सभी कैटेगरीज में सीट रिजर्व है, देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस फीमेल, ओबीसी, ओबीसी फीमेल, एससी, एससी फीमेल, एसटी और एसटी फीमेल, जो जेंडर न्यूट्रल है उससे बहुत लो गई हुई है कट ऑफ फीमेल के लिए, तो बेनिफिट आपको मिल रहा है। अब देखो आर्किटेक्चर, ये बीटेक में नहीं है, ये बी आर्क है और इसमें कोई ब्रांच होती नहीं है। 5 ईयर का होता है ये, जेई एडवांस के थ्रू होता है, उसके बाद वो डबल एटी का पेपर देना होता है, लेकिन जेई एडवांस की कट ऑफ देख लो आप इसके 17664। देखो इसकी कट ऑफ बहुत लो जाती है आर्किटेक्चर की, आप इसकी तरफ भी जा सकते हो। कैसे आर्किटेक्चर में एडमिशन लेना है उस पर मैं वीडियो मतलब लेके आ जाऊंगा, वैसे पर्टिकुलर आईआईटीज़ के लिए कैसे लेना है, बट कैसे नॉर्मली लेना है एनआईटीज़ में, अदर कॉलेजेस में, उस पर वीडियो में ला चुका हूँ, बीटेक और बीआर्क में डिफरेंस वाली वीडियो में। बात करें बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बीटेक में अवेलेबल है यहाँ पे, ये 7751 इसकी अप्रोक्स 7700 के अराउंड कट ऑफ रहने वाली है जेई एडवांस में। देखो ये लास्ट राउंड के कट ऑफ्स हैं जोसा की, तो यहाँ पे बिल्कुल लास्ट होप है, इसके बाद कोई लिस्ट नहीं आएगी, इस बात का आपको ध्यान देना है। जो स्पेशल राउंड आता है सीएसएबी का, उसमें आईआईटीज पार्टिसिपेट नहीं करते। अब अच्छी चीज़ ये देखो, अगर आपको इसमें भी नहीं मिलता तो डुअल प्रोग्राम इसमें भी है, देख सकते हैं 9300 के अराउंड है, वहीं जो नॉर्मल बीटेक था उसके अंदर 7700 था। तो देखो एक अच्छा बेनिफिट आपको ये मिल रहा है कि आपको डुअल प्रोग्राम देखने के लिए मिल रहा है सभी कैटेगरी, सभी मोस्ट ऑफ़ दी ब्रांचेज में। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें 4846, तो यहाँ पर ये टॉप 5 आईआईटीज़ में आता है आईआईटी खड़गपुर, बहुत अच्छी आईआईटी है, इसकी ब्रांच वाइज प्लेसमेंट्स मैंने 2022 के लिए कर रखी हैं, बीटेक ब्रांच वाइज, एमटेक ब्रांच वाइज, डुअल प्रोग्राम ब्रांच वाइज, जाकर देख लेना।
अब देखो केमिकल इंजीनियरिंग में भी डुअल डिग्री है 5 ईयर का, 6048, तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ आपको दिख रही है। और अब चलते हैं हम आगे, देखते हैं ओबीसी फीमेल। अब मैं एक एक कैटेगरीज की तो बोलकर बता सकता हूँ लेकिन बहुत लॉन्ग हो जाएगी वीडियो और मैं वो चाहता नहीं हूँ कि आपका टाइम वेस्ट हो। केमिस्ट्री की देख लो एक बार, बीएस है, बैचलर ऑफ साइंस है 4 ईयर का, 12,252 एंड फीमेल के लिए 19,000। तो देखो आप 252 तक तो मत ही जाना, 12,000 एक सेफ साइड समझ लेना। और थोड़ी सी मैं फास्ट करता हूँ अपनी वीडियो को, सिविल इंजीनियरिंग देख लो एक बार, 6,556, बहुत लो कट ऑफ गई हुई है और वैसे इसके थोड़ा प्लेसमेंट रेट भी डाउन हो गया है और बाकी आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। बात करें सिविल इंजीनियरिंग में भी डुअल डिग्री अवेलेबल है 7,540, डुअल डिग्री की तरफ आप जा सकते हैं, प्लेसमेंट परसेंटेज अच्छी होती है क्योंकि सीटें कम रहती हैं और पैकेज भी अच्छा रहता है। सिर्फ आईआईटी खड़गपुर की ही नहीं, इससे ऊपर जितने भी आईआईटीज हैं उनकी मैंने लास्ट राउंड की कट ऑफ्स कर दी हैं क्या रहने वाली हैं। वैसे तो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ मैंने सभी आईआईटीज एनआईटीज ट्रिपल आईटीज जीएफटीआई की कर दी है, जाकर देख लो प्लेलिस्ट में और रिसेंट अपलोड्स में मिल जाएगी। कंप्यूटर साइंस आ चुका है, इसकी ओपनिंग रैंक है 112 और क्लोजिंग रैंक है 303, बहुत हाई कट ऑफ है। लेकिन अगर आपको टॉप 4 आईआईटीज में सीएस नहीं मिलती तो यहाँ पर बिल्कुल आ सकते हैं आप, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, बिल्कुल टॉप 5 आईआईटीज वाली प्लेसमेंट्स हैं। अब देखते हैं इसके अंदर डुअल डिग्री है या नहीं। देखो इसमें भी है, तो सीएस में अच्छी चीज़ ये है कि इसमें भी डुअल डिग्री अवेलेबल है, 526 तक गई हुई है, ओपनिंग रैंक 319 है, वहीं क्लोजिंग की बात करें 303 है। तो देख सकते हैं डुअल प्रोग्राम की तरफ भी ऑप्ट हुआ और बहुत अच्छा है। यहाँ पर डुअल प्रोग्राम ओबियसली बताने की ज़रूरत आपको है नहीं, आपको पता है सीएस के बारे में और आईआईटी खड़गपुर के बारे में। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, बैचलर ऑफ साइंस 4 ईयर का है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी 6,173, बहुत लो कट ऑफ गई हुई है, फीमेल के लिए 9,527, बाकी आप सब यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से स्टॉप करके, अगेन बोल रहा हूँ वीडियो फास्ट लग रही है तो स्लो करके देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देख लेते हैं, बहुत अच्छी ब्रांच इलेक्ट्रिकल में, यहाँ पे 1,805 है, कट ऑफ तो लो गई हुई है क्योंकि देखो वैसे तो हाई कट ऑफ है लेकिन अगर आप टॉप 5 आईआईटीज में कंपेयर करोगे तो कट ऑफ बहुत लो गई हुई है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबको यहाँ पर लेने के लिए क्योंकि इलेक्ट्रिकल के भी बिल्कुल टॉप प्लेसमेंट्स होते हैं। अब इसमें भी डुअल डिग्री है, बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे आईआईटी खड़गपुर के बारे में ये, 2,314। तो देखो यहाँ पर 2,300 रैंक भी अगर आपकी जे एडवांस में आती है तो आपको एक अच्छी ब्रांच मिल जाएगी टॉप 5 आईआईटी के अंदर, बाकी आप सब यहाँ पर अच्छे से स्टॉप करके देख सकते हैं। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। देखो यहाँ पर EECE है, यहाँ पर अगेन बहुत अच्छी ब्रांच है, यहाँ पर इसकी कट ऑफ देखते हैं 1,145, जो कि बहुत हाई कट ऑफ है। वैसे देखी जाए तो ब्रांच भी बहुत अच्छी है, प्लेसमेंट्स इसके बहुत कमाल के हैं, सिर्फ कट ऑफ पे ही नहीं प्लेसमेंट पे, फ़ी स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस, रैंकिंग, इन सब पे वीडियोस मैं डेली लेके आता हूँ, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना। PWD यहाँ देखने के लिए मिलता है लगभग सभी कैटेगरीज़ में। अब बात करते हैं इसकी भी डुअल डिग्री, तो 1,637 है, जो कि एक अच्छी चीज़ अगेन मुझे लग रही है और आप डुअल डिग्री की तरफ जा सकते हैं। और बाकी अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट कुछ ब्रांचेस की, क्योंकि ब्रांचेस बहुत सारी हैं आईआईटी खड़गपुर में, कैंपस बहुत बड़ा है। देखो एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स है, बीएस है, बैचलर ऑफ साइंस है 4 ईयर का, बीटेक में नहीं है, 11,500 के अराउंड इसकी कट ऑफ रहने वाली है इस साल, तो समझ जाओ इतनी रैंक आपको लानी है। और अगर आप ये मेरी वीडियो लेट देख रहे हो, सपोज़ आपकी इतनी रैंक आ चुकी है, तो यार समझ जाओ आप सेफ हो, या फिर आपको आइडिया लग रहा होगा कौन सी रैंक आपकी, अगर आपकी आ चुकी है तो किस रैंक पे आपको कौन सी ब्रांच मिल रही है आपकी कैटेगरी में। अब इसके अंदर नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, बीटेक में है, यहाँ पे 4,307। देखो कट ऑफ तो इसकी हाई है, सिविल से भी हाई है, ब्रांच देख लो, देखो सिविल से हाई है तो ऑब्वियसली आप इसको बेटर मान सकते हो, बट मैं सिविल प्रीफर करूँगा, वैसे सही ब्रांच है ये भी। अब देखो डुअल डिग्री इसमें भी है 4,991, इसकी डुअल डिग्री सिविल के बीटेक से भी हाई कट ऑफ है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक देख सकते हैं आप कट ऑफ, जिसकी हाई रहती है जिस भी ब्रांच या कॉलेज की, मैं हमेशा बताता हूँ वो अच्छा होता है, और लो रहती है तो उतना अच्छा नहीं होता। अब चलते हैं नेक्स्ट ब्रांच, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, 2,533, बहुत अच्छी ब्रांच है यहाँ, इस कॉलेज में तो ब्रांच ही ब्रांच भरे पड़े हैं। और अब देख सकते हैं इसमें डुअल प्रोग्राम देखने के लिए नहीं मिलता। मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग बीटेक में है, यहाँ पे 58 58,
तो सबसे लास्ट वाले जो है ना वही हमारे कट ऑफ हैं, उसके पहले वाले मत देखना, वो ओपनिंग रैंक है। और यहाँ पर इसके डुअल डिग्री देखने के लिए मिलता है 6924, 7000 मत लेना, 6968 ही रखना सेफ साइड के लिए। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये आप बात समझ रहे होगे और ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि ऐसे पूरे डिटेल में वीडियो मैं ही लेके आता हूँ और आपके सारे डाउट्स एक ही वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग बहुत अच्छी ब्रांच है, लेकिन बीएस में है, बीटेक में नहीं है। 1335 देख सकते हैं कट ऑफ, बहुत हाई है। सीएस के बाद सेकंड बेस्ट आप इसको प्रीफर कर सकते हैं, बट मैं आपको बोलूँगा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जाना। और क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जाना आपको पता है, क्योंकि वो बीटेक में है और ये बीएस में है। प्लेसमेंट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, वो भी अच्छा है ये भी अच्छा है, लेकिन एक बीटेक रखने का एक डिफरेंस आ जाता है। सपोज़ अगर आपको कोई भी, अगर बीटेक का एक अलग बेस बन जाता है आपका, एक फाउंडेशन जो होता है ग्रेजुएशन में, बीटेक है आपके पास, बीएस हो गया, तो आप एमटेक नहीं कर सकते, लेकिन आप एमएस, एमएससी ये सब बीटेक के बाद कर सकते हो। इस बात का आपका बेनिफिट मिल जाएगा। मैकेनिकल की बात करें यहाँ, तो मैकेनिकल में यहाँ पे 3350 है, और मैकेनिकल भी एक अच्छी ब्रांच है और ग्रोथ भी कर रहा है मैकेनिकल। यहाँ पे फीमेल 9315 है, फीमेल तो ऑब्वियसली बहुत लो कट ऑफ जाएगी मैकेनिकल सिविल जैसी ब्रांचेस में। अब इसमें भी ड्यूअल प्रोग्राम है 5197, इसमें 5200 की तरफ मत ही जाना सेफ साइड के लिए, 5100 ही रखना। अब बात करते हैं मेटलर्जिकल्स एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, 6920 अप्रोक्स 6900 के अराउंड आप लेके चल सकते हैं एक सेफ साइड के लिए। और यहाँ पर इसकी भी डुअल डिग्री है 8364, ब्रांचेस बहुत सारी हैं, अगेन देख रहे होंगे आप सब, ब्रांच ख़त्म ही नहीं हो रही। अब चलते हैं अगली ब्रांच, अगेन माइनिंग इंजीनियरिंग। अब देखो खड़गपुर बंगाल में है तो माइनिंग तो थोड़ा बहुत बनता है यहाँ पे, 8739 अप्रोक्स 8700 के अराउंड है। और अगेन एक सही ब्रांच इसको ही मैं बोलूँगा, कोई इतनी डाउन ब्रांच है नहीं, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड कॉलेजेस में। अब इसमें भी डुअल डिग्री है 9932, तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं। और अब एक और अगली ब्रांच है माइनिंग सेफ्टी इंजीनियरिंग, इसमें तो डायरेक्ट डुअल डिग्री है 11583। और यहाँ पर अब आप सब देख सकते हैं, मेरी वीडियो ज़रा सी पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी, लाइक ज़रूर करना। एक और ब्रांच है यार, अब पता नहीं कितने ब्रांच है, मैंने खुद नहीं देखे, ओशन इंजीनियरिंग एंड नेवल आर्किटेक्चर, ये आईआईटी मद्रास में भी है और वहाँ पर बेस्ट है, 8355 है। देखो इसकी अगेन बता रहा हूँ, आईआईटी खड़गपुर की मैंने ब्रांच वाइज प्लेसमेंट्स कर रखी हैं, बीटेक के लिए, एमटेक के लिए, पीएचडी के लिए, एमएस के लिए, डुअल डिग्री के लिए, सब के लिए, तो एक बार जाकर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अब देखो इसमें भी डुअल डिग्री है 9383, तो अब आप खुद देख सकते हो इतनी सारी ब्रांचेज हैं। अब है यानी देखो एक और ब्रांच आ गई बीएस में, आ गई फिजिक्स में, बैचलर ऑफ साइंस फोर ईयर, 8366। देखो 8000-9000 तक अगर आपकी रैंक आती है जेई और आप जनरल से हो, तो समझ जाओ आपको आईआईटी खड़गपुर या फिर टॉप 5 आईआईटीज में ऐसी ब्रांचेज मिल जाएंगी लोअर ब्रांचेज। और अगर आपकी टॉप 4000 टॉप 3000 के में आता है, तो आपको एक अच्छी ब्रांच मिलने के चांस है, भले आप जनरल से हो। फीमेल के हो तो आपको अच्छी बेनिफिट तो वैसे मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर फाइनली ब्रांचेस सारी कंप्लीट हो गई। कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर भी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, मेरी पर्सनल आईडी है। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना यार, बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं डेली लेके आता हूँ, मेरी कोई वीडियो आप मिस ना कर देना इसीलिए। और मिलते हैं कल की एक और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो में।